हवा खा लो थोड़ी सी गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज मैं चला रहा हूँ KTM RC390। ये खड़ी आपके सामने, ये देख रहे हो, उसके ऊपर से नई नई पन्नियाँ उतरनी है भाई। बाइक का इसका थोड़ा सा क्रैश हो गया था, तो अभी ये कम से कम एक महीना हो गया ऑलमोस्ट। आज 22 तारीख है ना, ऑलमोस्ट एक महीने से यहाँ पे खड़ी थी KTM में। इसके अंदर काफ़ी सारा काम भी हुआ है, और एक क्रैश होने के बाद आज बेसिकली ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, ये गिर गई थी राइट साइड को, थोड़ा सा स्लिप लग गई थी राइट साइड को, स्किड मार के थोड़ी सी गिर गई थी। इसमें राइट साइड की चीज़ें भी थोड़ा डैमेज हुई थी, जैसे कि देखो एक आपको यहाँ पर थोड़े से स्क्रैचेस दिख रही होंगे, और उसके अलावा तो बाकी और कहीं अब आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले इस पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भोलेनाथ का टीका भी लगवाया हुआ था, और उसके अलावा ये देखो यहाँ पे इसके स्क्रैचेस से आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली आज की ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आज आप में से बहुत सारे लोगों को ना एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करूँगा। अगर आप KTM खरीदते हो, अगर आप KTM ओन करते हो, तो आपका बाइक में अगर भगवान ना करे कभी क्रैश हो जाए, कहीं किसी से गिर जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि देखो वक्त का तो किसी को नहीं पता, ना आपको ना मुझे, तो अगर कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो जाए तो KTM अगर आप ओन करते हो तो क्या खर्चा आता है। क्योंकि भाई KTM में कुछ पार्ट तो इतने सस्ते हैं, रेट सुन के आप फ़ैन हो जाओगे। कुछ चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, वो सुन के आप कहोगे कि नहीं ये बढ़िया नहीं है। तो बाइक में देखो एक चीज़ और बढ़िया, शोरूम की मैं ऑलमोस्ट फुल टंकी देखे गया था, इसमें दो बार कम था जब मैं चला के लाया था, तो अभी एक कम दिखा रही है। तो इसको करते हैं न्यूट्रल, कोल्ड स्टार्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बाइक की टेस्टिंग वेस्टिंग हुई थी, हैंडल वैंडल भी दोनों साइड एकदम बराबर है, कोई हैंडल का लॉक नहीं टूटा। चलो भाई चलते हैं, चलते हैं बात करेंगे, आज बहुत दिनों बाद मोटर व्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक क्लिप लगाऊंगा मैं, स्क्रीन पे आप लोग देखना। तो बाइक में ना बेसिकली राइट साइड से डैमेज ज़्यादा हुआ था, राइट साइड से टूट फूट गई थी, इसका जो मेन फ्रंट का वाइजर है वो टूट गया था, राइट साइड के दोनों पैनल टूट गए थे, ये जो राइट हैंड साइड पे हैं वो, और उसके अलावा आपका क्या नाम है, और पूरी बाइक में ना मेन जो डैमेज आया था राइट साइड में आया था। तो एक फेयरिंग वाली बाइक का अगर क्रैश होता है तो भाई उस पर डैमेज ज़्यादा आता है, वहीं पे अगर एक फेयरिंग वाली बाइक ना गिरे, एक नेकेड बाइक गिरे, तो उसमें खर्चा बहुत कम आता है। अब जैसे इसका राइट साइड से हैंडल बार भी, ये हैंडल भी पूरा बैंड हो गया था, ये पोर्शन पूरा नया डला है। अब इसके अंदर कुछ पार्ट इतने सस्ते हैं ना, मैं सुन के मतलब मज़ा आ गया कि अगर इनकेस अगर किसी के पास इंश्योरेंस ना भी हो, विदाउट इंश्योरेंस भी काम कराना पड़ जाए तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अभी इसके अंदर ना टायर में हवा भी कम थी, तो मैंने शोरूम में हवा भी डलवा ली है, तो सही लग रही है। अब जब मैं लेके चला तब मुझे हैंडल बार हल्का टेढ़ा लग रहा था, बट अब एकदम ठीक लग रहा है। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन कौन कर रहा है। अब भाई देखो, जब मैं इसको वहाँ पे अंदर लेके चल रहा था ना, थोड़ा सा हैंडल मेरे को हल्का सा बैंड लग रहा था। अभी इसको हाई स्पीड पे थोड़ा मैं इसके हाथ वाथ छोड़ के चला के देखूँगा, वैसे तो हाथ छोड़ के बाइक नहीं चलानी चाहिए। अब तो देखो स्ट्रेट जा रही है, हल्की मोड़ी सी राइट भाग रही है। अब वो मैंने वहाँ पर दिखाया भी, मैंने बोला भी, वो कह रहे कि नहीं सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप चलाओ आपको सही लगेगी। तो वही एक चीज़ है, बाकी अगर कुछ इनकेस आगे प्रॉब्लम लगेगा तो चेक करा लेंगे, वैसे अभी तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे लग नहीं रही, एकदम परफेक्ट लग रही है बाइक। और भाई देखो इसमें कुछ चीज़ों का रेट इतना सस्ता है, अगर आप में से कोई यामाहा की R15M ओन करता होगा ना, तो R15 की जो राइट साइड की फेयरिंग है, इधर की साइड की फेयरिंग है, उसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो वो बड़ी एक्सपेंसिव सी आती है। मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, आप लोग एक बार कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना। लगभग 5 या 6 हज़ार रुपये की फेयरिंग है उसकी, इसकी शायद से फेयरिंग 2-2 हज़ार रुपये की है ये। जी हाँ आपने सही सुना, 2-2.5 हज़ार कुछ की है। KTM में कुछ चीज़ें तो इतनी सस्ती हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और कुछ चीज़ें इतनी महंगी हैं उनकी भी कोई हद नहीं है। अगर आप RC390 ऑन करते हो या Duke 390 ऑन करते हो, तो राइट साइड का जो ब्रेक लीवर है ना, जिससे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ये अकेला कॉस्ट करता है 2000 रुपये। और अगर इससे लोअर वेरिएंट आपके पास Duke 250 है या Duke 200 ऑन करते हो, तो ये आइटम आपकी कॉस्ट करती है मोटा मोटी शायद से 400-500 रुपये या 250 रुपये कुछ इतना। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसका ये वाइज़र चेंज हुआ है, ये भी सस्ता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तो मतलब इसमें अगर महंगी चीज़ों की बात करी जाए ना, तो ज़्यादा पार्ट को इतने एक्सपेंसिव नहीं है। 3,70,000 रुपये बाइक पर दे रहे हो, उसके अंदर ओवरऑल राइट साइड से कुछ टूट फूट गई थी काफ़ी सारी, वो सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो लगभग 17-18 हज़ार रुपये में बाइक का पूरा काम हो गया। पर हाँ, इसकी जो फ्रंट की हेडलाइट है भाई, वो बड़ी महंगी है, वो तो सुन के मतलब मैं भी थोड़ा शौक हो गया था एक बार के लिए, मैंने कहा यार ये तो मतलब थोड़ी सी वर्थ इट सी नहीं लग रही है।
फ्रंट की जो इसकी हेडलाइट है वो कॉस्ट करती है लगभग आपकी 9,000 रुपीज़, जिसमें इतनी कोई खास थ्रो भी नहीं है। और बाकी हैंडल वगैरह देखा जाए तो देखो हैंडल भी स्ट्रेट है, कोई किसी भी साइड मेरे को ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा है। ये इधर मैंने देखा इधर भी इक्वल सा ही लग रहा है और इधर भी इक्वल लग रहा है, और वैसे भी ये आइटम थोड़ी आगे पीछे होती है। और हाँ, इसकी ग्रिप, हैंडल वेट, ये पूरा पार्ट, ये सब चेंज हुआ है, क्योंकि आपको ये थोड़ी नई नई सी दिख रही होगी, वाली ग्रिप थोड़ी पुरानी पुरानी दिख रही होगी। और ये लीवर भी मैं अभी नया लगवा के आया हूँ, और ये फोल्ड होने की वजह से हमें चेंज नहीं कराना पड़ा। इसके ऊपर भाई देखो नई नई पन्नी चढ़ी हुई है, आपको समझ में आएगा ये पार्ट नया है, ये RC390 वाला नया, थोड़ा सा इसका रेडिएटर बैंड हो गया है। तो मतलब ऐसे छोटे मोटे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। पर हाँ ये है कि KTM के अंदर अगर आप लोग क्लेम व्लेम का काम कराते हो ना, जैसे शोरूम वाले जहाँ से हम करा के आए हैं अभी अभी, भाई बढ़िया बंदे हैं सारे, जानते वानते भी हैं। और ओवरऑल इसका काम आज से मुझे लग रहा है 4-5 दिन पहले हो गया था, वही मतलब मोटा मोटा आपका 10-15 दिन के अंदर अंदर बाइक करके दे देते हैं, अगर आप थोड़ा प्रेशर करोगे तो और भी जल्दी कर देते हैं। अब अभी जैसे इसके थोड़े से टायर्स ख़त्म हो रहे हैं तो इसको आराम से ही चलाऊँगा, और इसके अंदर टायर वायर भी चेंज होने हैं। थोड़ा सा भगा के मेरे को इसका ये चेक करना है हैंडल कैसा सही चल रहा है नहीं चल रहा है। बिल्कुल सीधी चल रही है, नाक की सीध में, यही तो क्लास है भाई KTM की। अब बस इसके टायर बेकार हैं, इसके अंदर टायर दूसरे डल जाएंगे ना तब ये और भी अच्छी चलेगी। मैं सही बता रहा हूँ, अगर इस बाइक को अगर कोई चलाएगा, चलाने वाला, ये नहीं कह सकता कि बाइक का अभी अभी मतलब थोड़ा बहुत गिर गई थी, काम वाम होके आई है, तो वो चीज़ इसके साथ बिल्कुल नहीं है, चलने में सही चल रही है। तो मैंने कहा यार एक आप लोगों के साथ ना एक थोड़ा सा मतलब इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो शेयर करता हूँ, कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो दिमाग में डाउट होंगे ना वो थोड़े से क्लियर होंगे, कि भाई मतलब अगर आप लोग KTM ओन करते हो और कल के दिन को भगवान ना करे बाइक खड़ी खड़ी गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो उस कंडीशन में आपका क्या खर्चा आएगा। तो मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ, अगर आप Duke 390 जैसी बाइक में अगर गिरी होती, जैसे ये गिरी है सेम इस तरीके से, तो उसमें खर्चा आया होता मैक्सिमम 10,000 रुपये के आसपास का, इसके ऊपर खर्चा आया क्लोज टू 18,000 रुपीज़ का, तो 18,000 रुपये में बाइक आपकी एकदम ब्रांड न्यू पेटी पैक हो गई, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ये देखो इनका कोई इलाज नहीं, बिल्कुल इन्हें भगवान से डरनी है, इतनी सी आंखें खोल रखी हैं और मस्त ऐसे रोड क्रॉस कर रही है जैसे कि वॉक पे आई हो। सही चल रही है भाई बाइक, एकदम बढ़िया चल रही है। बाकी अगर इनके से अगर राइट साइड से थोड़ी कुछ दिक्कत परेशानी लगेगी तो वो मैं बाद में इसको आके किसी और दिन चेक करवा के ले जाऊंगा, वैसे अभी तो ठीक लग रही है, अभी तो कोई मुझे दिक्कत परेशानी इसके अंदर ऐसी कोई खास फील हो नहीं रही है। हल्का सा बस ऐसा मेरे को डाउट आ रहा है, मैं कन्फर्म नहीं कह रहा कि ये हैंडल थोड़ा मेरे क्लोज तो नहीं है, पर जब इसको ऐसे मतलब हैंडल लेफ्ट राइट करके नाप रहा हूँ तो एकदम सही दिख रहा है। तो कोई नहीं, इस चीज़ को थोड़ा जैसे जैसे चलाएंगे और धीरे धीरे ये चीज़ रेक्टिफाई होती रहेगी, बट फिलहाल तो मेरे एंड से तो भाई बाइक में KTM वालों ने अच्छा काम करके दिया है। और बाकी इसके अलावा इसमें और क्या चेंज हुआ है, फ्रंट का ये वाइज़र हो गया, ये ग्लास हो गया, राइट साइड की पूरी असेंबली हो गई, ब्रेक लीवर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलमोस्ट चेंज हुई हैं। तो अगर आप में से भी कोई भाई KTM ओन करता है तो पहली तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि बाइक का सबसे पहले तो इंश्योरेंस करा के रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। KTM ने अगर कोई भी ब्रांड की बाइक ओन करते हो तो सबसे पहले इंश्योरेंस करा के रखो। सेकंड, इंश्योरेंस होने के बाद आपको बाइक के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखो, थोड़ा जैसे मतलब टायर वायर घिस जाए या बाकी कुछ चीज़ों में दिक्कत परेशानी लगे तो पहले उन्हें रेक्टिफाई करो फिर बाइक को चलाओ। और अगर आप रेक्टिफाई इनकेस चलो किसी वजह से फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे हो तो उस टाइम थोड़ा बाइक को काबू में रख के चलाओ, वो कहते हैं ना कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, उस चीज़ को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए चलाओ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने व्हीकल का हर किसी को पता होता है कैसे चलती है कैसे नहीं चलती। ये जा रही है Audi Q3। बाकी वैसे बाइक की जो हैंडल TV है वो सब एकदम परफेक्ट थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी इसके अंदर ना ये जो इसका मीटर लगा हुआ है, इसके नीचे तीन इसके अंदर असेंबली होती है, तीन असेंबली जिनके ऊपर मीटर टिकता है इसका, उन तीन में से दो टूट गई थी तो वो दो चेंज हुई हैं और एक ठीक थी। तो देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मीटर वीटर के पास भी कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे ही थी। थोड़ा सा मिरर विरर भी चेक कर लेता हूँ।
मिरर भी सही है इसका। वैसे इसका मिरर में एक चीज़ है, इसका मिरर वाइड बहुत ज़्यादा, बहुत वाइड मिरर है, बंद ही कर देता हूँ जाम में तो। तो चलो फिर भाई इस वाले वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। एक छोटा सा क्विक वीडियो बनाया मैंने बहुत जल्दी, मैंने कहा यार थोड़ा सा कभी किसी की बाइक में क्रैश हो जाए तो उस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन तो शेयर करूँ, क्योंकि KTM को लोग समझते हैं इसके जो पार्ट्स हैं ना बहुत महंगे समझते हैं लोग इसके पार्ट्स। तो मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो KTM के कुछ पार्ट हैं जो थोड़े से ओवर प्राइज्ड हैं, बट कुछ पार्ट तो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। अब जैसे कि इसका ब्रेक पैड आगे का वो बड़ा महंगा सा आता है 3000 का, पर काम बखूबी करता है। अब उसके अलावा इसका राइट साइड का ब्रेक लीवर है 2000 रुपये का आता है, ये थोड़ा महंगा लगता है। यही अगर 1000-1200 रुपये तक का हो तो थोड़ा वैल्यू फॉर मनी लगे, थोड़ा मतलब लगे कि हाँ भाई ठीक है, बट सही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना ओवरऑल बाइक के कुछ पार्ट महंगे कुछ पार्ट सस्ते हैं, तो ठीक है भाई मेरे हिसाब से ओके रिपोर्ट है। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा। यही था भाई आज का एक डिटेल वीडियो, डिटेल वीडियो नहीं एक क्विक वीडियो। अगर इनके हिसाब की KTM की किसी बाइक में क्रैश होता है स्पेशली RC सीरीज़ में तो आपका क्या खर्चा पानी बनेगा, तो वो चीज़ मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।